गुजरात के किसानों से मिलने जाते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों से मिलने जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं मास्क उतार कर। मैं समझना चाहता हूं वहां कोरोना नहीं है, यहां कोरोना है। कोरोना ने क्या दिल्ली का बॉर्डर का ठेका उठाया हुआ है? कहते हैं जी मैं ट्वीट कर रहा हूं अमेरिका के सांसद के लिए, अमेरिका के सांसद उनकी प्रॉब्लमों के लिए आप ट्वीट कर रहे हो। अरे यहां के लोगों के लिए और यहां की प्रॉब्लम के लिए तो ट्वीट करो। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अमेरिका ने आज एक चीज हम सबको ये समझाई है कि हिंदुस्तान में ही नहीं अमेरिका में भी अंधभक्त हैं। आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, दो और लोग हैं उसके साथ आप एडजस्ट कर लो। अरे ऐसी चीजें तो हम बचपन में करते थे यार, कि दो टॉफी तू रख ले बिट्टू, दो टॉफी मैं रख लेता हूँ, तू एडजस्ट कर ले। चाय वाले थे जी, रैक्स टू रिचेस की स्टोरी है। बहुत अमीर हुए, बहुत बड़े प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, जमीन की खुशबू समझते हैं, जमीन की अहमियत को समझते हैं। अगर जमीन की अहमियत को समझते हैं तो आज जमीन से जुड़े किसानों की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ पा रहे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल जी सारियां नूं। सब तो पहला था जी, मैं इत्थे यह गल करना चाह रहा कि सारे बुजुर्ग जो हैं, मेरे वीर, मेरी बहना, सारे बच्चे, उन्होंने सलाम, तुहाडे जज्बे नूं सलाम। ठंड मीह पै रहा है, ओले हैं, फिर भी तुसी इत्थे डटे बैठे हो, वाह तुहाडे जज्बे ते वाह। मैं अज इत्थे एक एक्टर बन के नहीं, बॉलीवुड का एक्टर बन के नहीं, बॉलीवुड का एक्टर बन के नहीं, पर पंजाबी यह जज्बा जो है ना वो बन के आया तुहाडे कोल। मैं आर्या बब्बर हिंदी च गल करके तुहाडे नाल यह गल करना चाह रहा कि हिंदुस्तान के हर पासे यह गल पहुंचनी चाहिए। मैं आर्या बब्बर हाँ जी, मैं कोई पोलिटिकल पार्टी बिलोंग नहीं करता, मैं पॉलिटिशियन नहीं हाँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन की बुराई करना आया, लेकिन हाँ जो इत्थे हो रहा साडे नाल वो गलत है। हर पासे हर हर तरीके से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारे पीएम मोदी जी जो हैं जमीन से उठे हुए इंसान हैं। चाय वाले थे जी, रैक्स टू रिचेस की स्टोरी है। बहुत अमीर हुए, बहुत बड़े प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, जमीन की खुशबू समझते हैं, जमीन की अहमियत को समझते हैं। अगर जमीन की अहमियत को समझते हैं तो आज जमीन से जुड़े किसानों की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ पा रहे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। यहां पर जो है ये गुजरात के किसानों से मिलने जाते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों से मिलने जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं मास्क उतार कर। मैं समझना चाहता हूं वहां कोरोना नहीं है, यहां कोरोना है। कोरोना ने क्या दिल्ली का बॉर्डर का ठेका उठाया हुआ है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। कहते हैं जी मैं ट्वीट कर रहा हूं अमेरिका के सांसद के लिए, अमेरिका के सांसद उनकी प्रॉब्लमों के लिए आप ट्वीट कर रहे हो। अरे यहां के लोगों के लिए और यहां की प्रॉब्लम के लिए तो ट्वीट करो, यहां की प्रॉब्लम तो समझो, यहां के लोगों के साथ तो कनेक्ट करिए जो यहां पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। यहां पर कितने दूर हैं आप लोग? मुझे ये बातें समझ में नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। मैं बस एक दरख्वास्त करना चाहता हूं और एक चीज सबके साथ ये कहना चाहता हूं कि एक लॉ दो लॉ हम कर लेंगे, गवर्नमेंट कहती है हम ये पास कर लेंगे। आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, दो और लॉ हैं उसके साथ आप एडजस्ट कर लो। अरे ऐसी चीजें तो हम बचपन में करते थे यार, कि दो टॉफी तू रख ले बिट्टू, दो टॉफी मैं रख लेता हूं, तू एडजस्ट कर ले। ये क्या बात हुई? अमेरिका में आज जो हुआ है वो कांड सबको तो पता ही होगा, अमेरिका का जो अभी कांड हुआ है सबको तो पता ही होगा। उस कांड के लिए जी ट्वीट करे जा रहे हैं 50 चीजें सारे लोग बोल रहे हैं, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। अमेरिका ने आज एक चीज हम सबको ये समझाई है कि हिंदुस्तान में ही नहीं अमेरिका में भी अंधभक्त हैं, है ना भैया? सही कहा ना? चलो एक मामले में तो हिंदुस्तान और अमेरिका एक हुआ है ना। मेरी एक दरख्वास्त है जी हमारी गवर्नमेंट से, इसको विनती समझ लीजिए, दरख्वास्त समझ लीजिए, जो आप समझना चाहे,
पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि प्लीज जो भी आपको लॉज रखने हैं वो लॉज आप किसान के साथ बैठें, उनकी राय लें और फिर ये लॉज को बनाएं। क्योंकि जहां तक मैं इस कौम को समझता हूं, सबको समझता हूं, मुझे ये समझ में आता है कि ये कौम जो है ये हारना नहीं जानती, ये सिर्फ हराना जानती है। जो बोले सो रहोल, किसान एकता, नौजवान किसान एकता। वो दागदार है तुम जानदार हो और जीत हमारी होगी। जिथों इस संघर्ष ने कई नवीं पैड़ां पाईयां ने, उत्थे इस संघर्ष की एक नवेकली गल यह भी है भी यह पहला भी आउंदियां सी, पर इस रूप इस वारी वड्डी गिणती च जिहड़ियां साडियां भैणां ने मातावां ने जां औरतां दी शमूलियत है वह वड्डी गिणती च उभर के सामने आई है। वह मैं कहूँगा इस वारी मोढ़े नाल मोढ़ा नहीं, साडे तो एक कदम अगे जा खड़ियां ने मर्दां तों, ते इस पूरे संघर्ष का बीड़ा उन्होंने हरेक रूप च अपने उत्ते चक लिया। तो स्टेज पर भी तुसीं देख सकदे हो, मैं छोटी भैण साडी नौजवान गायिका है नूर चहल, उन्होंने बेनती करदा भी वह भी अपने गीत नाल।